समय की गल है, एक गरीब विधवा जनानी अपने पुत्र दे नाल रहिंदी सी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता सी क्योंकि वह बहुत आलसी सी। इसी वजह करके उन्हां दे कोल पैसे नहीं हुंदे सी। मां, खाण लई कुछ है? मैनू भुख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग होर गरीब हुंदे गए। एक वक्त आया जद उन्हां नू अपनी गां मिल्क वाइट भी वेचनी पई क्योंकि वो उन्हों खाण लई भी नहीं दे पा रहे सी। जैक दी मां ने उसनू कहा कि गां नू बाजार विच जाके सब तो उच्चे मुल ते वेची, शायद फिर वो खाण दे लई कुछ खरीद सकन। बाजार जांदे टाइम जैक नू एक अजीब विखण वाला बुढ़ा मिलिया। उस बुढ़े आदमी ने गां दे वल वेख्या अते जैक नू कहा, हेलो मेरे बच्चे, जे तू मैनू अपनी गां देवेगा ता मैं तेनू ओदे बदले बहुत ही कीमती चीज देंगा। जैक इस सुन के काफी खुश होया। बुढ़े आदमी ने पांच बीन्स अपनी जेब तो कढ़िया। बीन्स? परे जादुई बीन्स हन। जैक नू ओदे ते पहला ता विश्वास नहीं होया पर उस बुढ़े आदमी ने जोर दे के कहा, सुन मेरे बच्चे, तू एक तेज ते होशियार मुंडा है, ए जादुई बीन्स ले ले, तेनू पछतावा नहीं होएगा, मेरी गल मन ले। जैक ने ओदे ते विश्वास कीता अते उना जादुई बीन्स दे बदले अपनी गां मिल्क वाइट उनू दे दित्ती। अपने काम तो खुश होके जैक घर वाल दौड़िया। मां, वेख मैं की ले आया हां। जैक नू एना खुश वेख के उदी मां नू इह लग्या कि ओ गां नू बहुत ही चंगे मुल ते वेच के आया है। जदों जैक ने अपनी मां नू जादुई बीन्स विखाइया तां ओ नाराज हो गई। उन्हें उना जादुई बीन्स नू गार्डन विच सुट दित्ता अते जैक नू अपने कमरे विच जाण दे लई कहा, तू अपने कमरे विच ही रहेगा जब तक मैं तेनू बाहर आण दे लई नहीं कहिंदी ते अज तेनू कोई खाना नहीं मिलेगा। सवेरे जैक ने अपनी बारी तो बाहर झांकिया तां ओ हैरान हो गया। ओदे कमरे दी बारी तो उन्हें वेख्या कि एक पौधा बहुत तेजी नाल वध रहा सी। ये ना ता कोई साधारण पेड़ सी ते ना ही कोई फुल, ये जादुई बीन्स दा पेड़ सी। जैक ने उस वड्डे बीन दे पेड़ ते छाल मारी ते उदे टेढ़े मेढ़े पत्तियां ते पौड़ियां दी तरह चढ़न लगा। कुछ देर चढ़न तो बाद उन्हें अपने आप नू एक अजीब जगह ते पाया। उत्थे सब कुछ वड्डा सी। उन्हें एक फुल्ला नाल भरिया रस्ता वेख्या जिस दे किनारे ते एक वड्डा जिहा घर सी। जैक उस घर दे वल पहुंचिया अते उन्हें बूहा खड़काया। एक वड्डी जिही जनानी ने अंदरों जवाब दिता, मैं तुहाडे तो पुछण वाला सी कि तुहाडे कोल खाण लई कुछ है? हाँ हैगा, पर तेनू मेरे घर आले दे आण तो पहला इत्थों जाना पवेगा क्योंकि मेरे घर आले नू निक्के बच्चे बहुत पसंद हन अते ओ उना नू खा जांदा है। जैक बहुत डरिया होया सी पर उन्ना ही भुखा भी सी। जिवें ही ओ कुछ खाण दे लई टेबल ते बैठिया उन्हें सुनिया कि कोई गहरी आवाज विच बाहर गल्लां कर रहा सी। मैनू बच्चे दी खुशबू आ रही है, कच्चा जा पक्का केहो जा भी होवे, मैं ओनू लब के रहांगा। उस जनानी ने जैक नू आवाज दित्ती, हुणे इसे वेले जाके अवन विच लुक जा निक्के बच्चे। जैक अवन विच जाके लुक गया। ओ राक्षस किचन विच जाके सुंगन लग्या, मैनू बच्चे दी खुशबू आ रही है। तुसी की कह रहे हो जी, शायद तुहानू उस मीट दी खुशबू आ रही है जिहड़ा मैं कल बिल्ली नू खवाया सी। खाना हो जाण तो बाद ओ राक्षस अपने सोने दे सिक्के गिणन लगा। कुछ
कुछ चिर बाद वह गिणते गिणते थक गया अति सौं गया। जैक अवन विच्चों बाहर आया ते उन्हें सोने दा बैग ले लिया। उन्हें बैग नू बीन दे पेड़ दे थल्ले सुटिया अति वह पेड़ तो थल्ले उतरन लगा। उन्हें सोने दे परे बैग नू चकिया अति कार दे अंदर दौड़दा होया गया। जैक दी मां ने सोने नू वेख्या तां बहुत खुश हुई। उस दिन तो बाद वो कदे गरीब नहीं रहे। पर कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने दा उना कोल सी वो खत्म हो गया। जद होर कोई रस्ता नहीं सी जैक फिर तो बीन दे पेड़ ते चढ़ के उस राक्षस दे घर पुज्या। पिछली बार जदो तू इत्थे आया सी ता साडा एक सोने दा बैग चोरी हो गया सी। पर फिर भी उन्हें जैक नू प्यार नाल अंदर बुलाया। थोड़ी देर विच राक्षस घर पहुंचया। मैनू बच्चे दी खुशबू आ रही है, कच्चा जा पक्का केहो जा भी होवे मैं उन्हू लब के रहांगा। राक्षस दी आवाज सुन दी जैक अवन विच जाके लुक गया। खाना हो जान मगरों राक्षस ने अपनी कारवाली नू मुर्गी लियाण दे लई किया। जदों कारवाली मुर्गी लेके आई उन्हें उस मुर्गी नू अंडा देण लई किया। जैक नू इह वेख के ताजब होया कि उस मुर्गी ने सोने दा अंडा दिता। ते जदों राक्षस सौं गया जैक अवन विच्चों बाहर आया ते उसने मुर्गी नू चक्या अते थल्ले वाल दौड़िया। सोने दे अंडियां दी वजह नाल जैक ते उदी मां फिर तो अमीर हो गए सी। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर तो अपना लक ट्राई करन दी सोची अते ओ बीन ते पेड़ ते चढ़ गया। इस वार ओ राक्षस दे घर विच चुपके नाल वड़ गया। उदी कराली तो लुकदे हुए अति वड्डे जेहे कॉपर दी पॉट विच जाके लुक के बह गया। थोड़ी देर मगरों राक्षस आया। मैनू बच्चे दी खुशबू आ रही है, कच्चा जा पक्का केहो जा भी होवे मैं उन्हू लब के रहांगा। इस वार राक्षस दी कारवाली ने जैक नू पकड़वान दा तय कीता। जे कोई बच्चा है ता शायद अवन विच होवेगा। जैक किते होर लुकिया सी। राक्षस अते उदी कारवाली ने सारा घर छान मारिया पर उना नू बच्चा नहीं मिलिया। खान तो बाद राक्षस ने सोने दी वीणा टेबल ते रखी अते उनु वजन दा हुकम दिता। वीणा वजन लगी अते राक्षस सौं गया। इस वार जैक नू इह वीणा किसे भी कीमत ते हासिल करनी सी। इस लई ओ राक्षस दे गोड्यां ते चढ़दा होया टेबल ते पहुंचया। पर कुछ अजिहा होया जो ओ सोच भी नहीं सकता सी। वीणा चीखी। जैक ने वीणा नू अपनी पिठ ते लेके टेबल तो छाल मारी। राक्षस उठ गया अते जैक दे पिछे दौड़िया। जैक बीन दे पेड़ तो तेजी नाल उतरन लगा अते राक्षस उदे पिछे पिछे। जद ओह घर पहुंचया जैक ने अपनी मां नू बुलाया। मां छेती त्यार भी नाल ले आई। उन्होंने बीन दे पेड़ नू कटना शुरू कीता। आखर उन्होंने बीन दे पेड़ नू कट दिता अते राक्षस जोर नाल थल्ले जमीन ते आ टिकया। ओ दोनों राक्षस तो बच गए सी। शुकर है रब्बा असी बच गए। ओ लोग ठीक सी पर जैक नू अपनी हरकत ते
काफी पछतावा हो रहा सी। वो अपने लालच दे करके आज अपनी जान गवाण वाला सी। उन्हें अपनी मां नु वादा कीता कि वो कदे भी चोरी नहीं करेगा अते वो कल तो बहुत मेहनत करेगा। उस दिन तो बाद जैक ते ओदी मां कदे भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उन्हां दे कोल सोने दे अंडे देन वाले मुर्गी सी मदद दे लई, पर जैक ने भी काम करना नहीं छड्या। समय दी गल है, एक राजा सी जो अपनी 12 सोनिया तियां दे नाल रहंदा सी। ओ 12 प्रिंसेस दे नाल एक बहुत ही वड्डे ते सोहणे घर विच रहंदा सी। राजा अपनियां तियां दा पूरे दिल नाल ख्याल रखदा सी अते जदों भी ओ रात नूं सौण जांदियां सी तां ओ किसे नूं बाहर जाण दी इजाजत नहीं देंदा सी। पर हर सवेरे जदों भी ओ उठदियां सी तक कुछ ना कुछ अजीब हो जांदा सी। इंज लगता सी जिवें उन्हां प्रिंसेसिस दियां जुतियां नूं किसी ने सारी रात पा के नच के रख दिता हुवे। उस राजा नूं अपनी तियां दे लई हर रोज़ नवियां जुतियां खरीदनियां पैंदियां सी अते अगले ही दिन उह सारियां जुतियां फिर तो इस्तेमाल कीतियां हुंदियां सी। ना ते राजा ते ना ही उन्हां दे महल दे सिपाही इस जुतियां दे राज नूं सुलझा पा रहे सी। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਲਝਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 12 ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕੇਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਕੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਕੇਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਿਸ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਕੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਰਬਤ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਦੂਈ ਕੇਪ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
दूजी रात ओ फिर तो प्रिंसेस दे कमरे दे बार पहरा दे रहा सी। इस बार दूजी प्रिंसेस शरबत लेके बार आई। उस नौजवान नू पहरा देंदे देंदे काफी प्यास लग रही सी अते ओ रात दा इंतजार कर रहा सी। बिना सोचे उसने ओ शरबत पी लिया अते ओ फिर तो गहरी नींद विच चला गया। अगली सवेर जब तो जागया ता उसनु उस बुढ़ी जनानी दी गल याद आ गई। पर ध्यान रवे ओ प्रिंसेसिस तेनु कुछ भी पीन नु देन ता ओनु ना पीवी। जरूर उस शरबत विच राजकुमारी ने नींद दी दवाई मिलाई होनी। उसी वेले राजा उत्थे पहुंचया। दो दिन बीत गए ते तू हाले तक ओना जुतिया दे राज नु नहीं सुलझाया। जे तू अज रात भी इनु नहीं सुलझाया ता तेनु बाकी दी जिंदगी जेल विच कटनी पाएगी। राजा एक गल कह के उथों चला गया। उस नौजवान नु आज किसी भी कीमत ते उस राज नु सुलझाना सी। उसी रात आखरी वार ओ फिर तो प्रिंसेस दे कमरे दे बार पैरा देन लग गया। इस वार सब तो छोटी प्रिंसेस संतरे दा शरबत लेके बार आई। पर इस वार ओ नौजवान चुकन्ना सी अते जदों प्रिंसेस उथों चली गई उसने उस शरबत नु गमले विच सुट दिता। अद्धी रात हो गई सी। उस नौजवान ने जादुई केप पाया अते गायब हो गया। हौली जेहे उने प्रिंसेस दे कमरे दा बूहा खुलिया ते उसने जो वेख्या ओ वेख के हैरान हो गया। सारियां प्रिंसेस अपने सब तो सोने बॉल गाउन्स पा के वाला नु समार के मेकअप करके नवियां जुतियां पाईयां हुईयां सी। चलो वेखते हां कि ओ नौजवान सौ गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोल के बाहर झांकिया अते दूजी ने दीवार ते अपने कान लाए। उसे वेले उस नौजवान नु ध्यान आया कि उनु खराटियां दी आवाज करनी होवेगी। सब तो वड्डी प्रिंसेस ने बेड नु एक पासे सरका दिता अते तीन बार ताड़ी बजाई। बेड दे दूजे पास्यों एक लुकिया होया रस्ता खुल गया। उस नौजवान नु अपनिया अखां ते विश्वास नहीं हो रहा सी। एक एक करके सारी प्रिंसेस उस रस्ते तो बाहर गईयां अते नौजवान भी उना दे पिछे चला गया। ए लुकिया होया रस्ता पौड़ियां दे वल जा रहा सी जिथों 100 पौड़ियां थल्ले वल जा रहीयां सन। उदों ही उस नौजवान दा पैर गलती नाल एक प्रिंसेस दी स्कर्ट ते पै गया। ओह किसी ने मेरी स्कर्ट ते पैर रखिया। ओहो पागल उतों ही होनी। जदों पौड़ियां खत्म हो गईयां तां ओ जंगल विच पहुंच गईयां। ओ उच्चे दरख्तां विचों गुजर रहीयां सन जिन्हां दीयां सोहणियां चिट्टियां डालां सन। नौजवान ने एक डाल तोड़ी ते उन्हां दा पिछा कीता। काफी समा चलण तों बाद ओ सारियां प्रिंसेस एक नदी किनारे जाके रुक गईयां। उस नदी विच 12 कश्तियां सन जिन्हां विच 12 प्रिंस उन्हां दी राह वेख रहे सी। ओ सारियां प्रिंसेस कश्ती विच जाके बह गईयां अते ओ नौजवान आखरी कश्ती विच बह गया। किश्ती आज कुछ भारी लग रही है जिवें कोई होर वी इहदे विच बैठा होवे। अजीब है सुपने वेखना बंद कर। नदी पार करके ओ सारे एक वड्डे चमकदार महल विच पहुंचे अते उन्हां नूं अंदरों संगीत सुनाई दे रहा सी। जदों उस नौजवान ने बारी तो तकिया उसने वेख्या काफी लोग अंदर नाच रहे सी। जिवें ही सारियां प्रिंसेस महल दे अंदर गईयां ओ नचण लगियां। ओ नचदे नचदे थक गईयां पर फिर भी नचदियां रहियां अते इसे लई उन्हां दियां जुतियां पाईयां होईयां लग रहियां सी। नौजवान अपनी भुख नूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा सी इसे लई उसने टेबल ते पिया केक दा टुकड़ा चुक के खा लिया। सब तो छोटी प्रिंसेस ने ए वेख्या। मेरा केक हवा विच उड़ रहा है जिवें कोई अदृश्य इंसान उहनूं खा रहा होवे। बकवास बंद कर। नौजवान ने सब दियां नजरां बचा के सुनहरा कप टेबल तों चुकिया। प्रिंसेसिस सवेर होण तक नचदियां रहियां। फिर ओह किश्ती च बह के नदी पार कर गईयां। जंगलां विचों गुजरदे होए पौड़ियां तों चढ़दे होए आखिरकार ओह अपने महल विच फिर तों पहुंच गईयां। पर उन्हां दियां जुतियां
फिर तो पाईयां हुईयां सी। ओ नौजवान बहुत खुश होया क्योंकि उसने आखर पाईयां हुईयां जुतियां दा राज जो सुलझा लिया सी। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान दे कोल गया। तेरा वक्त आज खत्म हो गया, की तू इस राज नु समझ सक्या? जी हाँ हुजूर, मैनू पता चल गया। ते फिर उसने राजा नु सारी हकीकत दसी। राजा ने पहला ओदियां गल्लां ते विश्वास नहीं कीता, पर जदों नौजवान ने राजा नु जंगल तों लिती हुई चिट्टी डाल ते चमकदार महल तों लिता होया सुनहरा कप विखाया तां राजा नु यकीन हो गया कि उह सच बोल रिहा सी। अते फिर राजा ने अपना वचन निभांदे होए उस नौजवान नु अपनी पसंद दी प्रिंसेस चुन के उस दे नाल ब्याह करन दी इजाजत दे दित्ती। नौजवान ने कहा कि उनु सब तो छोटी प्रिंसेस नाल ब्याह करना है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं सी क्योंकि उना दा राज हुन सब नु पता चल गया सी। पर वो नौजवान अते छोटी प्रिंसेस ब्याह करके हसते खेड़ते अपनी जिंदगी गुजारन लगी।